गुवाहाटी में आयोजित की जा रही तीसरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के मुक्केबाजों ने हिमाचल का नाम बढ़ाया है। प्रदेश के तीन मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर तीन पदक पक्के कर लिए हैं। प्रतियोगिता के 66 किलो भार वर्ग में हिमाचल की समय कुमारी ने उत्तराखंड की मनीषा धोनी को दूसरे राउंड में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो पुरुष वर्ग में 54 किलो भार वर्ग में नवराज चौहान ने दीक्षांत दिया को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो 91 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अभिनव चौहान ने अपना मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। कोच मान सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में हिमाचल के 5 मुक्केबाज भाग ले रहे हैं, इनमें से 3 ने अपने पदक पक्के कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि सेमीफाइनल मुकाबले सोमवार शाम 20 जनवरी को गुवाहाटी के साई कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। हिमाचल टीम के साथ गए दल प्रभारी संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा चंद्रेश्वर शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए टीम और मुक्केबाजों को बधाई दी है। उन्होंने आशा जताई है कि आने वाले मुकाबलों में मुक्केबाज अपनी जीत का क्रम जारी रखते हुए स्वर्ण पदक हासिल करके हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा दिन और चौथे दिन के लिए मध्य में हमारी मुक्केबाजी टीम ने जो प्रदर्शन किया है उसमें हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज हमारे 3 मुक्केबाज सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंच चुके हैं जिन्होंने 3 पदक हिमाचल के लिए सुनिश्चित कर दिए हैं। मैं उन सभी मुक्केबाजों को बधाई देता हूँ, उनके अभिभावकों को बधाई देता हूँ और आने वाले समय के लिए जो उनकी सेमीफाइनल बाउट होगी उनके लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आने वाली बाउट में गोल्ड मेडल के लिए बाउट लड़ें, सेमीफाइनल बाउट जीतें और फाइनल खेलें और हिमाचल का नाम रोशन करें। इन 3 जो खिलाड़ी हैं उसमें अंडर 17 एज कैटेगरी में स्नेह कुमारी 66 किलो भार वर्ग में और नवराज चौहान 54 किलो भार वर्ग में, अंडर 21 एज कैटेगरी में अभिनव चौहान 91 प्लस वेट कैटेगरी में अपने अपने वेट कैटेगरी में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इन सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं, आने वाले बाउट में ये विजय हासिल करें और हिमाचल के लिए फाइनल खेलें, हिमाचल का नाम रोशन। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।